यो गाइस, माय नेम इज जी के एस करण। सो गाइस, मेरा नाम है करण। सो आपका चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, आज हम आपको बताने लगे हैं कि हम ग्रिप को कैसे फिट करें अपने बैट में। सो चलिए बताता हूँ आपको कैसे फिट कर सकते हैं आप ये ग्रिप पर से आपके बैट में ग्रिप। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। हम आपको बताने लगे हैं कि हम ग्रिप कैसे फिट करें अब। तो मैं दो मिनट, टूटियाँ नॉर्मल में, ये टूटियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, ये देखिए हमारे पास है एक ग्रिपर। सो ये आपको 80 से 90 का मिल जाएगा, क्या पता आपको बढ़िया वाला 100 का भी मिल जाए, बट ये मैंने 80 का लिया है। सो ये ग्रिप, सो ये देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी की ग्रिप है ये। सो चलिए बताता हूँ कि कैसे दिखती है ग्रिप। पहले आपको ऐसे सीधा लगा, उल्टा लगा लेना है, जहाँ तक जा सके यहाँ तक जा रही है ये ग्रिप। सो यहाँ तक ले गए। सो हमें इसे उल्टा कर यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। सो उल्टा कर ऐसे आपको ना रोल करना है जैसे। सो ये देखिए उल्टा कर आपको ऊपर से पुश कर ऐसे रोल कर लेना है। सो जहाँ तक जाती है वहाँ तक ले कर लेना है। सो ये देखिए यहाँ तक चली गई, ये हो गया। आप उल्टी साइड से डालना है और छोटे वाले माउथ में डालना है। सो दोबारा से करेंगे हम ऐसे ही पुश कर ओह शिट मैन, ये बहुत ही टाइट है। सो तो मैं बैक साइड में रखता हूँ। सो ये देखिएगा यहाँ तक ले आया मैं। अब आपको पुश कर यहाँ तक लेके जाना ब्लैक वगैरह पर। ओह शिट, ये बहुत टाइट है गाइस। ये है हमारा बैट, इस पर पैडी ग्रिप है। वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस। देखिए हम लोग यहाँ पर लेकर आ गए। सो ये देख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर लेकर आ गए। सो गाइस, फिर आपको ये हैंडल लेना है। देखिए मेरे पास टूटा हुआ हैंडल पड़ा था। सो ये ग्रिप हैंडल होता है। सो ये देखिए ये डैमेज है, बट आपको ऐसे ग्रिप चढ़ानी है हमेशा, ऐसे ऊपर लगा लिया। सो ऐसे पुश किया, बहुत टाइट होता है। सो ये देखिएगा, इसमें ऐसे ऊपर चढ़ा लिया। ये देखिए ऐसे कर आपको ऐसे लगा लेना है पहले, फिर ज़ोर से पुश करना है, ये यहाँ पर आ जाएगी। सो ये देखिए आ गई है यहाँ पर ग्रिप। सो आपको इसे डाउन लेकर जाना है। देखिए जैसे कि मैं डाउन लेकर जा रहा हूँ, सबसे एंड में ले जाना है बैठ के। देखिए मैं ले गया, इसे ऊपर ले जाना है। ये देखिए ग्रिप चढ़ गई। अब आपको ये ऊपर वाला है तो आपको ऐसे फोल्ड नहीं करना, ऊपर से पुश करेंगे ये अंदर क्यों चले जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बाय बाय।